हेलो, माई सेल्फ मोहम्मद अज़हरुद्दीन शेख फ्रॉम मैजेस्टिक कंप्यूटर्स एजुकेशन, रोशन गेट, औरंगाबाद। आज हम सीखेंगे फोल्डर बनाना, फाइल बनाना, फाइल को रिनेम करना, कट करना, कॉपी पेस्ट करना। तो सबसे पहले यहाँ पर डेस्कटॉप पर कंप्यूटर का शॉर्टकट बना हुआ है, डायरेक्टली यहाँ क्लिक करके भी हम जा सकते हैं, या फिर स्टार्ट मेन्यू में से यहाँ पर ये राइट साइड में भी कंप्यूटर है तो यहाँ से भी जा सकते हैं। तो यहाँ से ये कंप्यूटर में जाने के बाद ये हार्ड डिस्क के ड्राइव्स दिखेंगे, सी ड्राइव और डी ड्राइव। हार्ड डिस्क के पार्टीशंस किए हुए यहाँ पर सी ड्राइव और डी ड्राइव, और जो डिवाइसेस और रिमूवेबल स्टोरेज रहेंगे तो वो यहाँ पर देख सकते हैं। अगर हमने यूएसबी ड्राइव या फिर पेन ड्राइव इस तरह से यहाँ पर ड्राइव जो लगाएंगे एक्सटर्नल ड्राइव्स तो वो यहाँ पर दिखेंगे, जैसे कि सीडी, डीवीडी वो भी। और ये जो है ये इंटरनल हार्ड डिस्क के ड्राइव्स है जो परमानेंट स्टोरेज होता है इसके अंदर। हार्ड डिस्क ड्राइव्स के अंदर सी ड्राइव बना हुआ एक सेक्शन और डी ड्राइव, तो ये इसमें परमानेंट स्टोरेज रहेगा। और जो रैंडम एक्सेस मेमोरी रहती है रैम, तो उसमें प्राइमरी स्टोरेज रहेगा, जिसमें टेम्प्ररी स्टोरेज भी कह सकते हैं उसको, या फिर वोलेटाइल स्टोरेज भी कह सकते हैं। वोलेटाइल मतलब वो थोड़ी देर के लिए कुछ हम जब तक परफॉर्म करेंगे कुछ काम, जैसे कि अगर आप टाइप कर रहे हो तो वो रैम में सेव रहेगा, अगर शट डाउन करते या कैंसिल करते उसे विदाउट सेविंग के तो वो वहाँ से उड़ जाएगा। और जो हार्ड डिस्क के ड्राइव रहेंगे तो इसमें परमानेंट स्टोरेज रहेगा, इसे नॉन वोलेटाइल स्टोरेज भी कह सकते हैं। और सीडी, डीवीडी और इसी तरह से ब्लू रे डिस्क, बीडी भी उसे कहते हैं, और पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, फ्लैश मेमोरी कार्ड, ये इस तरह से ये सारे सेकेंडरी स्टोरेज के ड्राइव्स रहेंगे जिसमें परमानेंट स्टोरेज रहेगा। तो अभी हमें डी ड्राइव में जाना है, क्योंकि सी ड्राइव में उमूमन जो भी सॉफ्टवेयर्स वगैरह रहेंगे तो उसके इंस्टॉलेशन और उसके फाइल्स रहते हैं, तो हमें डी ड्राइव के अंदर काम करना है। डी ड्राइव में जाने के बाद आपको अगर नया फोल्डर बनाना है तो आप यहाँ पर से न्यू फोल्डर भी ले सकते हैं, पहला ऑप्शन। न्यू फोल्डर लेने पर इस तरह से फोल्डर बनेगा, या फिर अगर आपको दूसरा लेना है मेथड तो फाइल में आने के बाद न्यू और वहाँ से न्यू फोल्डर ले सकते हैं आप। वो फोल्डर को आप ये जब तक ब्लू रहेगा तो वहाँ पर नाम दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर ABC डाल लेंगे। और उसका तीसरा मेथड ये है कि आप राइट क्लिक करके यहाँ पर से भी न्यू आता है, न्यू में आने के बाद फोल्डर सेलेक्ट कर सकते हैं, उसे भी नाम दे सकते हैं, जिस XYZ से नाम दे देंगे। तो इस तरह से तीन मेथड देखें तो फाइल भी यहाँ से भी बना सकते हैं हम, न्यू में आकर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट अगर लेना है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट इसका एक्सटेंशन .txt रहता है और ये नोटपैड की फ़ाइल होती है। उसी तरह से यहाँ पर अलग अलग है, पावर पॉइंट का प्रेजेंटेशन, वर्ड डॉक्यूमेंट, तो जो भी लेना है तो वो ले सकते हैं। अभी हम ये टेक्स्ट डॉक्यूमेंट लेंगे। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करने के बाद इसको ABC इस तरह से नाम दे देंगे तो ये टेक्स्ट की फ़ाइल बन गई। यहाँ पर जब फाइल बनती है तो यहाँ पर बताता है कि फ़ोल्डर कब बना, 14 नवंबर 2018, उसका टाइम क्या है और कितने KB का है, अगर फाइल रही तो उसका ये बताएगा। और अगर इसको उठाकर XYZ फोल्डर में रखना है तो उसको राइट क्लिक करना पड़ेगा, और कॉपी करने से ऐसा होगा कि यहाँ पर भी रहेगा वो और इसके अंदर भी जाएगा। तो अभी हम इसे कॉपी कर लेंगे। यहाँ पर जाने के बाद राइट क्लिक करना है माउस से, माउस में जो दो बटन रहते हैं, एक लेफ़्ट क्लिक और राइट क्लिक, तो राइट क्लिक दबाकर वहाँ पर पेस्ट आ जाएगा। पेस्ट जब ही इनेबल होगा जब वो कॉपी लेगा, जब भी हम कोई चीज़ कॉपी करते तो वो क्लिपबोर्ड के अंदर उसको सेव करके रखता है क्लिपबोर्ड की मेमोरी में, और जब हम पेस्ट करेंगे तो वहाँ से वो उसे पेस्ट कर देगा, फिर भी उसके अंदर सेव रहेगा, मल्टीपल हम उसे पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद ये बैक बटन है, ब्लू बटन, इससे बैक जा सकते हैं हम, मतलब हमें डायरेक्टली बार बार कंप्यूटर में जाकर वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है, बैक लेने पर यहाँ पर आ जाएगा और फॉरवर्ड से जहाँ पर हम थे वहाँ तक आएगा। बाद में फॉरवर्ड डिसेबल हो जाएगा क्योंकि अब उसके आगे है नहीं, तो इसलिए फॉरवर्ड और बैकवर्ड यहाँ से हम जा सकते हैं। अभी हमने इसको कॉपी किया तो देखिए यहाँ पर भी है फाइल वो और यहाँ पर भी है फाइल। अब हमको क्या करना है, यहाँ से हम बैक लेंगे और ये फाइल को कट करेंगे। कट में क्या होता है, मूव होंगी फाइल, जब भी हम कट अप्लाई करते हैं तो थोड़ा लाइट हो जाती है फाइल। लाइट होने से क्या होगा कि वो बताता है कि ये
अभी उस पर काम चल रहा है, मतलब कट है, बाद में उसे पेस्ट जैसे ही करेंगे तो वहाँ पर मूव हो जाएंगी। ABC फोल्डर हमने बनाए थे अभी, तो वहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देंगे। तो अभी देखिए ये ABC यहाँ पर से यहाँ पर आ गई और हम इसे बैक जाएंगे, यहाँ से हट गई वो। XYZ में उसकी कॉपी बनाए थे हमने और यहाँ पर उसकी फ़ाइल बनाए। अभी हम ऐसा करेंगे कि XYZ में आने के बाद ABC में कुछ लिखेंगे, ABC इसी तरह से लिख देंगे, इसके टूल्स देख लेंगे। फाइल में आने के बाद अगर इसे सेव करना है, Ctrl+S, इसके शॉर्टकट भी यहाँ पर है, Ctrl+S से सेव कर सकते हैं हम। सेव करने से क्या होगा, इसको हमने नाम पहले से दे दिए थे तो बार बार वो नाम नहीं पूछेगा, ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। और सेव एस जब करते हैं तो वहाँ पर नाम पूछेगा वो, क्योंकि ये अदर देन उसकी फ़ाइल रहती है, यानी अगर हम इसमें कुछ लिखकर अगर सेव करेंगे तो अपडेट होगा, और अगर सेव एस करेंगे तो इसमें अगर कुछ एडिशन करके हम सेव करना चाह रहे हैं तो वहाँ से वो सेव हो सकता है, सेव एज में से दूसरी फाइल बनेगी उसकी। और न्यू लेने पर Ctrl+N उसका शॉर्टकट है, वो यहाँ पर न्यू ले सकते हैं, इसको डोंट सेव करने पर न्यू हो जाएंगी वो फाइल। तो इस तरह ये सेव एज का फंक्शन था, न्यू से न्यू फाइल ले सकते हैं। Ctrl+N उसका शॉर्टकट है, ओपन करना है अगर कोई फाइल तो Ctrl+ हो। अब यहाँ पर ये उसकी लोकेशन पूछेगा आपकी फ़ाइल कहाँ पर है, तो हमने D में रखी है। ये लेफ़्ट साइड में ये सेक्शंस आते हैं, डॉक्यूमेंट्स, पिक्चर्स, वीडियोस, तो हमारे D में जाकर XYZ में आने के बाद हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं और ओपन करने पर वो फाइल खुल जाएंगे इसी। तो ये ओपन का मेथड था, सेव एज देख लिया हमने, पेज सेटअप में से पेज का सेटअप कर सकते हैं। साइज़ में आने के बाद उसका पेज का साइज़ A4, पोर्ट्रेट मतलब ये सब खड़ा और लैंडस्केप मतलब आड़ा हो जाएगा। और इसकी मार्जिन यानी कि लेफ़्ट साइड से और राइट साइड से कितना डिस्टेंस छोड़ के प्रिंट चाहिए वो ले सकते हैं। तो इस तरह से मार्जिन रहेंगे, अगर हमने इसको 2 कर देंगे लेफ़्ट साइड से इसे, तो प्रीव्यू में क्या होगा, यहाँ से थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ गया, तो इस तरह से क्या होगा कि 2 का डिस्टेंस थोड़ा आगे आ जाएगा। अब यहाँ से अगर ओके कर दिए तो उसका पेज का सेटअप वो ले लेगा। बाकी प्रिंट के अंदर जाने के बाद यहाँ से प्रिंटर सेलेक्ट कर सकते हैं अगर अलग अलग प्रिंटर से, तो और यहाँ पर स्टेटस प्रिंटर रेडी है, कितने प्रिंट चाहिए, ऑल नंबर ऑफ़ कॉपीज़ 1, 2, 3, जैसे हमने इससे पहले एक प्रिंटिंग का अलग स्कैनिंग एंड प्रिंटिंग का एक वीडियो बनाए थे, तो अभी इसमें प्रिंटिंग ऐसे भी कर सकते हैं, मतलब कोई भी फाइल में आने के बाद यहाँ से भी ले सकते हैं, और उसका शॉर्टकट Ctrl+P है। तो ऐसा डायलॉग बॉक्स खुलेगा, इसे डायलॉग बॉक्स कहेंगे, और यहाँ प्रिंटर का नाम आएगा, यहाँ से प्रिंटर का नाम ले सकते हैं। और ये यहाँ से प्रिंटर की रेंज, अगर आपके पेजेस है 1, ... देकर उससे ले सकते हैं, यानी पहला चाहिए, फिर 5वां, फिर 10वां। नंबर ऑफ़ कॉपीज़, अगर 2 कॉपी निकालना है सबके तो 2 कर देना है। तो इस तरह से यहाँ से प्रिंट दे सकते हैं, प्रिंट देने पर अभी कनेक्ट नहीं है, प्रिंट ऐसा निकल जाएंगे वहाँ से जब प्रिंटर कनेक्ट होगा। बाद में ये एग्ज़िट है, यहाँ से फ़ाइल क्लोज़ हो जाएगी, तो अभी हमें एग्ज़िट नहीं करना है, ये एडिट में आएंगे। अभी एडिट में ये पूरे फंक्शन कब इनेबल होंगे, जब हम इसमें अभी कुछ टाइप करेंगे, ये क्योंकि फ़ाइल ओपन किए थे। अब यहाँ पर 1, 2, 3 लिख दिए, तो यहाँ पर से एडिट मर Ctrl+Z अनडू वापस हो सकता है वह। अभी इसमें रीडू का ऑप्शन नहीं है, आगे जाके रीडू भी आता है Ctrl+Y से। और अगर इस टेक्स्ट को रिपीट करना है हमें कॉपी करके, तो Ctrl+C से भी कर सकते हैं कॉपी, और जहाँ पर पेस्ट करना है वहाँ पर जाने के बाद इंटर से नीचे आएंगी लाइन और वहाँ पेस्ट कर सकते हैं। Ctrl+V से भी कर सकते हैं पेस्ट, यहाँ पर जाने के बाद पेस्ट, अगर स्पेस दे के पेस्ट करना है, थोड़ा डिस्टेंस चाहिए तो स्पेस दबाना है और उसके बाद पेस्ट। तो इस तरह ये पेस्ट है। और कट से क्या होगा, यहाँ से उठा के उसको दूसरी तरफ रख सकते हैं, कट पेस्ट। डिलीट करना है अगर ये नहीं चाहिए इतना सेक्शन, तो इसमें से उसे सेलेक्ट करके डिलीट। फाइंड में अगर ढूंढना है अगर कुछ वर्ड, फाइंड में आने के बाद यहाँ पर उसका नाम लिखना है, ये ABC लिखकर फाइंड नेक्स्ट, तो वो ढूंढेगा डाउन डायरेक्शन में, अप डायरेक्शन कर दिए तो अप डायरेक्शन में ढूंढेगा। तो इस तरह से यहाँ से फाइंड कर सकते हैं, रिप्लेस भी कर सकते हैं इसको, मतलब ABC है तो उसको XYZ कर देना है। अगर रिप्लेस ऑल कर दिए तो सब तरफ रिप्लेस होगा, और रिप्लेस करे सिर्फ एक तो एक रिप्लेस, तो रिप्लेस ऑल से सब भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस तरह से फाइंड और रिप्लेस था। और ये गो टू कब इनेबल होगा, जब यहाँ से वर्ड रैप का हम निकाल लेंगे, तो उसमें से गो टू
में जाने के बाद आप कौन सी लाइन पर जाना चाह रहे हैं? अभी लाइन नंबर 3 पर है, वो 2 कर दिया जाए यहाँ पर, तो ये लाइन नंबर 2 पे कर्सर चले आएगा। तो ऐसा कर्सर से जा सकते हैं, वहाँ से सेलेक्ट ऑल करने पर कंट्रोल ए से भी सेलेक्ट कर सकते हैं, पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर डेट टाइम F5 दबाने के बाद वो डेट और टाइम आ जाएगा। बाकी ये फॉर्मेट है, वर्ड ड्राइव से क्या होगा, अगर आपने बहुत ज़्यादा यहाँ पर टेक्स्ट लिख दिया तो ये स्क्रॉल से आपको देखना पड़ता है आगे जाके, तो स्क्रॉल से ना जाना पड़े इसलिए फॉर्मेट में आकर वर्ड ड्राइव पे क्लिक करने पे वो एक जितना भी अपना पेज का साइज़ है उसके हिसाब से वो ऑटोमेटिक उसको सॉर्ट करेगा। अगर इसको आगे भी करते हैं तो इस तरह से, तो ये वर्ड रैप का इस तरह से था। और फॉन्ट अगर चेंज करना है फॉन्ट में आकर, तो ये लिखावट के स्टाइल से ये अलग अलग यहाँ पर उसका प्रीव्यू बताएगा, सैंपल कैसा दिखेगा, बोल्ड इटैलिक जो भी लेना है, फॉन्ट का साइज़ उसको ओके करने पे वो अप्लाई हो जाएगा इसे। बाकी व्यू है, अगर वर्ड रैप निकाल दिया जाए तो व्यू में से स्टेटस बार ले सकते हैं, ये स्टेटस बार लाइन नंबर 1 में है, कॉलम नंबर 1 में है। और अगर आपको हेल्प में से नोटपैड वगैरह के बारे में जानना है और, तो आप व्यू हेल्प में आने के बाद यहाँ से पढ़ सकते हैं नोटपैड क्या है, उसको ओपन कैसे करें। ये एक ट्यूटोरियल है, अगर आपको घर पर अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो यहाँ से आप देख सकते हो। तो इस तरह से हमने फ़ाइल बनाई थी, ये इसको सेव कर देंगे। अब फाइल को ये 1 KB इसकी साइज़ है, यहाँ पर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की टाइप है वो। तो अब अगर फाइल को हमें ये देखना है कि इसका नाम कैसे चेंज करें, तो राइट क्लिक करके, अभी हमने कॉपी पेस्ट कट और पेस्ट का देख लिए, कट और कॉपी का, कट कॉपी पेस्ट, अब इसको डिलीट करके देखना है। और रिनेम में से क्या होगा, इसको अगर XYZ नाम डाल लिया जाए और इंटर, तो XYZ नाम से चेंज हो जाएगी फ़ाइल। उसके अलावा फिर उसको राइट क्लिक करके यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में आने के बाद, अगर हम ये एट्रीब्यूट्स है नीचे, यहाँ पर सब दिख जाता है कितने KB की फ़ाइल है और कौन सी टाइप है, नोटपैड की टाइप है, कब बनी, कब अपडेट हुई। तो इस तरह रीड ओनली कर देने पे क्या होगा, अप्लाई भी कर सकते हैं आप, ओके भी। ओके करने पे जब हम इसमें कुछ लिखेंगे और, या फिर ये डिलीट कर देंगे, तो डिलीट करने पर जब सेव करेंगे यहाँ पर फाइल में आने के बाद, तो वो नाम पूछेगा, उसे नाम भी दे दिया जाए तो बोलेगा वो कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट है, रिप्लेस करना है क्या, उसे यस कर देंगे, तो वो बाद में बताएंगे ये ऐसा मैसेज कि रीड ओनली फॉर्मेट है, तो उसका दूसरा नाम दो। तो उसका रीज़न ये है, अगर आप चाहते हैं कि आपकी फ़ाइल डिलीट ना हो, कोई उसे डिलीट ना करे या फिर उसमें चेंजेस ना करे, तो आप उसको रीड ओनली फॉर्मेट लेकर रख सकते हैं। ये हर फाइल पे अप्लाई होगा, जैसे कि वर्ड हो गई, एक्सेल, राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ में आना है और ये एट्रीब्यूट में से रीड ओनली निकाल लेना है, फिर जाकर हम उसमें चेंज करके देखेंगे। अगर हमने इसको पूरा डिलीट भी कर दिया, अब कंट्रोल ए दबाकर डिलीट, सेव, तो ये सेव हो गई, मतलब फिर से 0 KB की बन गई। तो इस तरह हम उसको डिलीट कर सकते हैं, यानी रीड ओनली निकलने के बाद चेंजेस कर सकते हैं। हिडन कर दिया अगर फाइल को, हिडन करने पे अगर आपको छुपा के रखना है फाइल, कि कोई अगर रिमूव कर देगा या फिर उसमें से कंटेंट चुरा लेगा, तो उसको ओके करने के बाद हाइड हो गया, अभी कुछ नहीं बता रहा, फोल्डर इज एम्प्टी। लेकिन अगर इसको हिडन फाइल को वापस लाना है तो टूल्स में आना पड़ेगा, फोल्डर ऑप्शन, व्यू, और फिर शो हिडन फाइल्स, ओके करने पर ये इस तरह से हाइड हिडन फाइल आ गई, लेकिन थोड़ी सी लाइट रहेगी वो। जब हम इसको जाकर यहाँ से इसका हिडन निकाल लेंगे तो वो हिडन से निकल जाएंगी और फिर डार्क हो जाएंगी थोड़ी। फिर आप इसको अगर हाइड भी कर दिए, डोंट शो हिडन फाइल्स, फिर भी दिखेंगे क्योंकि अभी हमने उसका हिडन का निकाल दिए। तो इस तरह से हाइड का फाइल का निकाल सकते हैं। बाकी डिलीट है, डिलीट में आने के बाद इसको यस कर देने पे क्या होगा कि रिसाइकल बिन के फोल्डर में चली आएंगी फ़ाइल। इसको कट करके डेस्कटॉप पे देख सकते हैं, डेस्कटॉप पे जाने के बाद ये ऊपर ही रिसाइकल बिन का आता है, ये फोल्डर में ऑलरेडी बनकर आता है। तो इससे क्या होगा कि जब भी हम कोई भी फाइल को डिलीट करते तो वो रिसाइकल बिन में आता है, वहाँ से मतलब टेम्प्ररी डिलीट होता है वो, और कंप्यूटर के रिसाइकल बिन में वो फोल्डर में सेव होगा, एक फोल्डर का नाम है रिसाइकल बिन। और डायरेक्टली अगर डिलीट करना है तो शिफ्ट दबाकर डिलीट करने से पूरे कंप्यूटर से निकल जाएगा। तो अगर हमको फाइल को रिस्टोर करना है तो ये रिसाइकल बिन पे जाना होगा, और ये जो फाइल बनी हुई थी XYZ, इसको राइट क्लिक करके रिस्टोर,
तो वहाँ पर चले गई फ़ाइल जहाँ से हमने उसे डिलीट किया था। अभी हम जाकर देखेंगे वहाँ पर डी में XYZ, ये XYZ फाइल ही आ गई। अब इसको अगर यहाँ से शिफ्ट दबाकर डिलीट कर दिया जाए, शिफ्ट डिलीट, तो वहाँ पर एक मैसेज आता है, आर यू श्योर यू वॉन्ट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल, परमानेंटली डिलीट कर देना है क्या? उसको यस कर देंगे तो वो पूरे कंप्यूटर से निकल जाएगी, फिर मतलब आप उसको आसानी से रिस्टोर नहीं कर सकते, यहाँ पर रिसाइकल बिन में नहीं दिखेंगी वो। तो इस तरह से शिफ्ट डिलीट और डिलीट का ये काम रहेगा। उसके बाद हम एक शॉर्टकट देख लेंगे, ये ABC फाइल है, इसमें अभी हमने 123 लिखे, तो ये 123 लिखने के बाद अगर हम इसको सेव कर देंगे तो ये इसमें 123 अभी सेव है। अब शॉर्टकट से क्या होगा, राइट क्लिक करने के बाद अगर हम शॉर्टकट बनाएंगे इसका, तो शॉर्टकट बनाने के बाद इस तरह से ये फाइल में भी 123 है। अगर हम इसमें 456 डाल लेंगे और सेव करेंगे उसको, तो शॉर्टकट का ये फ़ायदा रहेगा कि उसकी जो दूसरी फाइल है तो उसमें भी 456 ऑटोमेटिक लिख कर आ जाएगा। यानी आप एक ओरिजिनल फाइल को अंदर रख के उसका शॉर्टकट बना सकते हैं और उसमें जो भी आप अपडेशन करेंगे तो ओरिजिनल फाइल में ऑटोमेटिक होगा। मतलब अगर आपने ओरिजिनल फाइल अगर शॉर्टकट डिलीट भी कर दिया, अगर किसी ने अपना शिफ्ट डिलीट भी हो गया हो, तो भी उसकी ओरिजिनल फाइल में वो महफूज रहेगा। लेकिन अगर इसका शॉर्टकट बना हुआ रहा, क्रिएट शॉर्टकट, और ये ओरिजिनल फाइल अगर किसी ने रिमूव कर दिया, तो फिर ये फाइल खोलने पर वो बताएगा कि ये कंप्यूटर में अवेलेबल नहीं है, तो इसको ये शॉर्टकट डिलीट कर देना है क्या, इस तरह। तो उसको फिर यस कर देने पे वो ख़ुद रिमूव हो जाएंगे। तो ओरिजिनल फाइल उसमें रहना ज़रूरी है शॉर्टकट के लिए, लेकिन शॉर्टकट से हम एक्सेस कर सकते हैं उसको फाइल को, वो शॉर्टकट को उठाकर आप कहीं पर भी रख सकते हैं, डेस्कटॉप पर, कोई भी दूसरे फोल्डर में, वहाँ से वो ओरिजिनल फाइल को एक्सेस करेगा। जैसे कि जो आइकन्स होते तो ये स्मॉल प्रोग्राम्स उसके शॉर्टकट होते हैं प्रोग्राम्स की हर एक। तो ये नोटपैड के टूल्स आज हमने देखे, कॉपी पेस्ट और उसको रिनेम करना, ये बेसिक कंप्यूटर के टूल्स में से भी है, फोल्डर बनाना, फाइल बनाना। तो अभी उसमें जब भी हमें फ़ोल्डर बनाना रहा तो उसके तीन मेथड आपको याद रखना है। न्यू फोल्डर में से भी आप बना सकते हैं, राइट क्लिक करके भी बना सकते हैं, राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर और उसको नाम देकर फिर, और मल्टीपल फोल्डर बना सकते हैं एक के अंदर। जैसे कि यहाँ पर ABC नाम का फोल्डर बना दिए थे और उसके अंदर जाने के बाद अब ऑलरेडी था तो उसको रिप्लेस कर दिया उसने, इसके अंदर और फोल्डर बना सकते हैं आप। मतलब फोल्डर भी मल्टीपल बना सकते हैं, इसमें XYZ कर दिए, तो फोल्डर के साथ फाइल भी ऑपरेट कर सकते हैं आप, और फोल्डर के अंदर फोल्डर भी उसको क्रिएट करते जा सकते हैं। एक वो फाइल्स रखने का एक वे है कि आसानी से मिल जाती है। मतलब अगर अपने पास 20-25 फाइल्स है, यानी कि अगर वो 20-25 फाइल बैंक से रिलेटेड है तो हम उसको बैंक का नाम दे दिए तो काम थोड़ा सा आसान हो जाता है, क्योंकि फाइल्स अगर ऊपर ओपनली अगर ऊपर रहे तो ढूंढने में दिक्कत आएगी इसलिए। तो ये आज हमने इसका कॉपी पेस्ट, रिप्लेस और नोटपैड के फंक्शंस वगैरह देखे। इसके आगे इंशाल्लाह अगले ट्यूटोरियल में देखेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच।